Good morning students, I am Amita Seth, welcome to NBBVN online classes and we were studying about the rat trap written by Selma Lagerlöf and we had seen that the rat trapper who was actually pretending as the Captain von Stille and when he got dressed up and well shaved, the Iron Master actually he knew that he was the stranger and not actually Neil Off, and that is why he called the sheriff means police who maintains law and order. So he called him and he wanted him to go to the jail. Okay, now then what the peddler वो अपनी क्या सफाई दे रहा है, वो बता रहा है कि ये वर्ल्ड ट्रैप जो है ये मतलब एक रैट ट्रैप है वर्ल्ड पूरा, और इसमें हर कोई इन लग्जीरियस थिंग्स को देख कर फंस जाता है, ये सारी चीज़ें बेट हैं और इन सब चीज़ों को देख कर हम कभी ना कभी इस वर्ल्ड में फंस जाते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ भी पाना चाहते हैं और जब ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हम इस रैट ट्रैप में फंस जाते हैं. ठीक है, द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ. अब आयरन मास्टर जो है हंसने लग गया. दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, उसने कहा अरे तुम तो बिल्कुल बुरा नहीं बोले, बिल्कुल सही बोले हो तुम. परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन. तो उसने कहा कि पहले तो हम इंतज़ार कर रहे थे शायद कि शेरिफ आके तुम्हें क्रिसमस ईव तक मतलब ले जाएगा, लेकिन अब तुम अपने आप से यहाँ से चले जाओ जितना जल्दी हो सके. But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that, she went and closed the door. तो जैसे ही उसने रेड ट्रैपर ने डोर जो है ओपन किया जाने के लिए, जो पीछे से उनकी डॉटर है आयरन मास्टर की एडला, वो आती हैं और बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ कि आज ये हमारे साथ ही रहें, मैं इनको नहीं भेजना चाहती हूँ. और ये कहते हुए उसने डोर वापस से क्लोज कर दिया. What in the world are you doing? said the father. उसने बोला कि तुम इस दुनिया में क्या कर रही हो, मतलब कि तुम पागल हो क्या कि तुम्हें पता है ये स्ट्रेंजर है, पता नहीं कौन इंसान है और तुम एक अनजान व्यक्ति को अपने घर पे कैसे रख सकती हो. द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर. अब थोड़ा शर्मा मतलब उसे शर्मिंदगी हुई कि अपने फादर के अगेंस्ट जा रही है, लेकिन अब उसे पता नहीं था कि उसे आंसर क्या देना है. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. और उस समय उस मॉर्निंग में वो काफ़ी हैप्पी थी क्योंकि आज उसे बड़ा घर जैसा लग रहा था, कोई गेस्ट आया है और उसे लग रहा था कि आज जो क्रिसमस के दिन है वो कुछ पुअर हंग्री जो रिच लोग होते हैं, जो मतलब जो पॉवर्टी से ग्रसित लोग जो हैं, है ना, रिच क्या होता है अनफॉर्चुनेट यानी कि दुर्भाग्यशाली, तो जो ऐसे लोग हैं जो पुअर हैं मतलब जो दुर्भाग्यशाली हैं उनकी वो उस क्रिसमस पे हेल्प करना चाहती थी. शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट वॉज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड. तो एक्चुअली वो मतलब ये उसने आइडिया ही नहीं था कि एक्चुअली उसके घर में भी एक इतना पुअर इंसान है और ये जो है वो सच में कैप्टन वॉन स्टिले नहीं है. तो एक्चुअली वो पुअर लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए शायद उसके दिमाग में आई ये चीज़ कि चलो ये कैप्टन वॉन स्टिले नहीं है लेकिन है तो एक गरीब आदमी जो कि हार्ड टाइम से गुजर रहा है, तो वो चाहती थी कि वो क्रिसमस के टाइम पे ऐसे लोगों की हेल्प करें. तो शी हैड इंटरसीडेड मीन मीडिएटेड, है ना, फॉर द वैगाबॉन्ड. और जो ये जो वेंडरर था वैगाबॉन्ड जो था उसके लिए वो क्या चाहती थी, मतलब इसलिए मीडिएटर बन रही थी, वो उसको नहीं जाना देना चाहती थी वहाँ से. आई वॉज थिंकिंग फॉर द स्ट्रेंजर हेयर सेड द यंग गर्ल. उसने कहा मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही थी, मैं गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि क्रिसमस पर मैं इसकी हेल्प करूँ. He walks and walks the whole year long. ये बहुत सालों से घूमे जा रहा है. And there is probably not a single place in the whole world where he is welcome and can feel at home. तो ये सालों से घूमता जा रहा है लेकिन इस दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर इसको invite किया जाता है या इसे homely feel होता है, घर जैसा feel होता है, जहाँ इसका welcome किया जाता है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है. Wherever he turns, he is chased away. तो उसको ऐसा लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा चढ़ाया जा रहा है और उसे दुनिया चढ़ाती है. ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बींग
अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और हमेशा इसे डर लगा रहता है कि कहीं कोई इसे अरेस्ट ना कर ले या इसकी कोई जांच पड़ताल, क्रॉस एग्जामिन करना, कहते हैं ना जांच पड़ताल करना, या बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछना, वाई व्हेन हाउ, ये सारी चीज़ें, दैट इज़ क्रॉस एग्जामिन्ड. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just once in a whole year. तो मैं चाहती हूँ कि आज का दिन एटलीस्ट ये बड़ी शांति से हमारे साथ गुजारे. पूरे साल में एक ही तो दिन है जो मैं मांग रही हूँ कि ये इसको पीस मिलना चाहिए, इसको खुशियाँ मिलनी चाहिए. The Iron Master mumbled something in his beard. तो Iron Master ने अपनी beard, मतलब दाढ़ी में कुछ बड़बड़ाया. mumbled करना मतलब बड़बड़ाना. He could not bring himself to oppose her. अब Iron Master जो है अपनी बेटी को अपोज नहीं कर सका. It was all a mistake of course, she continued. उसने कहा हाँ ये एक mistake थी, एक गलती हुई थी हमसे. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. तो वो ये बोलती है कि हाँ हमने गलती की है पहचानने में, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग को हमें चिढ़ाने में या उसे इंसल्ट करने में हमें, मतलब जो है, हमें कोई अधिकार नहीं है. और हम ही ने उसे बोला था कि इनवाइट किया था कि हमारे घर आओ, ठीक है, और हमारे साथ क्रिसमस ईव मनाओ, उसमें शामिल हो, उसमें खुशी में शामिल हो. तो अब हम इसे इस तरह से इंसल्ट करके घर से बाहर नहीं निकाल सकते. You do preach worse than a parson, said the Iron Master. So actually वो क्या बोल रहे हैं कि तुम तो बिल्कुल जो प्रीस्ट लोग होते हैं ना उससे भी ज़्यादा अपनी टीचिंग्स दे रही हो. जिस तरह के पुजारी लोग या जो कि रिलीजियस पीपल होते हैं ना, वो काफ़ी अपनी टीचिंग्स देते हैं ना धर्म के बारे में, धर्म गुरु होते हैं तो काफ़ी धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं. तो वैसे मतलब यू डू प्रीच वर्स दैन अ पर्सन, सो तुम मतलब एक पुजारी से भी बड़ा गंदा सा, मतलब क्या करती हो, प्रवचन देती हो. सेड द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस. सिर्फ मैं इतनी ही आशा करता हूँ कि इस चीज़ के लिए तुम्हें पछताना ना पड़े. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. तो young girl ने उसका हाथ पकड़ा stranger का और उसे अपने साथ table तक ले गई. Now sit down and eat, she said. अब क्योंकि breakfast का time था, breakfast table पे थे वो लोग, dining table पे. तो अब उसने उसका हाथ पकड़ा और table तक ले गई और उसे बैठाया कि please आप बैठ जाओ और खाना start करो. For she could see that her father had given in. और क्योंकि father बिल्कुल भी नहीं उसकी respect कर रहे थे, लेकिन उसने क्या है कि जो daughter है Adela है, उसने ये बिल्कुल Iron Master की respect करी, उसे खाने के लिए बोला. The man with the rat traps said not a word. अब जो man था rat trapper, जो था peddler था, उसने कोई भी कुछ भी शब्द नहीं बोला. Her only sat down and helped himself to the food. तो वो चुपचाप बैठ गया और उसने खाना start कर दिया. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. अब वो बार बार क्या कर रहा था, खाना भी खा जा रहा था, ब्रेकफास्ट कर रहा था और साथ ही साथ उस यंग गर्ल Adela को भी देख रहा था जो एक्चुअली उससे इंटरसीड कर रही थी, यानी उसने उसको मीडिएटेड कर रहा था ना, उसके लिए पक्ष ले रही थी, हम इसे कह सकते हैं. सो उसका जो पक्ष ले रही थी उसे बार बार वो उसे देख रहा था. वाई हैड शी डन इट, वाई कुड द क्रेजी आइडिया बी, वॉट कुड बी द क्रेजी आइडिया भी. तो उसने बोला कि ऐसा क्यों किया आखिर इस लड़की ने, और इसका इस पागलपन के पीछे क्या आइडिया होगा, इसने क्या सोचा होगा. After that, Christmas Eve at Ramstow passed just as it always had. फिर after that, मतलब Christmas Eve जो है हमेशा की तरह Ramstow में वैसे ही मनाई गई. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. अब हर समय की तरह Christmas अच्छे से evening मनाई गई और उस stranger ने बिल्कुल भी किसी चीज़ में कोई भी तकलीफ पैदा नहीं की, क्योंकि वो सिर्फ क्या करता था, सो रहा था. All time he was sleeping. The whole forenoon as he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. तो एक्चुअली पूरा मतलब दिन में उसने क्या करा, जो गेस्ट रूम में सोफ़ा है वहाँ पर बस वो सोया रहा और उसने पूरे मतलब एक ही, जैसे वन स्ट्रेच यानी एक ही, मतलब लगातार वो एक ही करवट में सो जा रहा था, मतलब ही वॉज ओनली स्लीपिंग और उसने कुछ भी नहीं किया. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again.
तो उसे थोड़ा बहुत जगाया गया नून में, फिर उसे बोला कि थोड़ा बहुत आप मतलब जो है क्रिसमस फेयर कर लीजिए, मतलब फेस्टिविटी, क्रिसमस फेस्टिविटी क्या होता है कि जो खाना अच्छा जो डिलीशियस फूड बनाया हुआ है या जो गिफ्ट विफ्ट वो लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उस पार्टिसिपेशन के लिए उसे बुलाया गया और उसके बाद में वो वापस से सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट राम्स जो। तो उसने मतलब ऐसा लग रहा था उसे सोते भी देखकर कि इतने सालों में शायद वो इतनी शांति से इतना सेफली कहीं नहीं कभी नहीं सोया जितना कि आज वो राम्स जो के घर में सोया हुआ है। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड दे वोक हिम अप अगेन एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्रॉइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। और शाम को जब क्रिसमस ट्री बहुत अच्छे से सजाया गया, पूरा चमक रहा था, वो लाइटनिंग हो रही थी उसमें, उन्होंने वापस पेडलर को उठाया कि अब चलो उठ जाओ, हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्रॉइंग रूम, थोड़ी देर के लिए वो ड्रॉइंग रूम में खड़ा हुआ ब्लिंकिंग और अपनी आँखें झपकाता रहा एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, ऐसा लग रहा था कि जो कैंडल्स की रोशनी है उसे हर्ट कर रही है, तो अपने आईज को ब्लिंक कर रहा था, उसे वो रोशनी चुभ रही थी अपनी आँखों में। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन थोड़ी देर खड़े रहने के बाद वो वापस वहाँ से चला गया। 2 hours later, he was aroused once more. 2 घंटे बाद उसे फिर से जगाया गया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. और फिर उसे डाइनिंग रूम में जाना था और अपना डिनर लेना था। तो उसे क्रिसमस फिश और पॉरेज, पॉरेज मतलब होता है दलिया, तो उन्होंने ये डिश रखी थी तो उसे खाना था। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said, "Thank you and good night." But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. तो उसको पहले उसने अच्छा सा डिनर किया और जैसे ही वो टेबल से उठ के वापस अंदर जाने लगा तो एडला ने उसे एक अच्छा सा प्रेजेंट दिया और उस प्रेजेंट के लिए उसने थैंक यू बोला, उस अच्छी से जो डिनर है उसके लिए थैंक यू बोला और गुड नाइट बोला। लेकिन जब वो मतलब यंग गर्ल के पास आया उसे थैंक यू बोलने, तो उसने उसको बोला कि ये एक्चुअली जो सूट है जो उसने पहना हुआ है ये उसकी फादर की ही इंटेंशन थी कि उसे इसे क्रिसमस गिफ्ट दे दिया जाए और उसे ये सूट जो है जो उसने पहना हुआ है वापस उसे नहीं देना पड़ेगा, जिससे कि कोई नेक्स्ट इवनिंग क्रिसमस ईव जब वो बहुत, क्योंकि वो चाहते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्रिसमस इवनिंग है वो बड़े आराम से बड़े पीसफुली कहीं पर भी बिताए, लेकिन बड़ा पीसफुली बिताए जहाँ पर कोई बुराई ना हो। मतलब वो क्या चाह रही है इनडायरेक्टली कि अब जो है वो उसे बुराई जो है वो छोड़ देनी चाहिए, जो गलत काम है वो उस पैडलर को छोड़ देने चाहिए। तो वो चाहती है कि नेक्स्ट नेक्स्ट इवनिंग तक ये जो सूट आपको दिया जा रहा है आप प्लीज़ नेक्स्ट इवनिंग तक बड़े पीसफुली वो जो है वो इस इवनिंग को क्रिसमस ईव को मनाइए और जितनी भी बुराइयां हैं वो सब आप मतलब हट जाएं और ही वुड बी वेलकम बैक अगेन। और अगर वो वापस बहुत अच्छे से सुधर जाता है, अच्छा इंसान बन जाता है, तो नेक्स्ट इवनिंग भी उसका यहाँ पर वेलकम है एडला के घर पर। So this is it for now, and we'll end the chapter in the next video. Till then, happy learning.